नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है पीएम आवास पर सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर एक बार फिर सियासी पारा जो है वो गर्मा गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को 15 लाख से अधिक पीएम आवास राज्य के लिए स्वीकृत करने और केंद्रांश जारी करने का अनुरोध किया है। इस पर भाजपा ने तंज कसा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पौने 5 साल तक पीएम आवास योजना को लटकाए रखा। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, तब मुख्यमंत्री को गरीबों की याद आ रही है और इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे और आगे इसी पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के 6,99,439, सामाजिक आर्थिक सर्वे में 47,090 परिवारों को आवास प्रदान करने, केंद्रांश की राशि जारी करने का किया अनुरोध। आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के लिए राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने अवगत कराया स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों और राज्य सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाए गए 47,090 परिवारों को राज्यांश की राशि जारी करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि 3 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में उनके द्वारा लिखे गए पत्र में स्थायी प्रतीक्षा में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ साथ आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के लिए राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार के द्वारा वापस लेने की जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार के द्वारा किए गए इस अनुरोध पर भारत सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही से आज दिनांक तक अवगत नहीं कराया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2011 में जनगणना के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी। भारत सरकार के द्वारा पुनः वर्ष 2018 में आवास प्लस सूची तैयार की गई, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची के अलावा 8,19,999 परिवार पात्र पाए गए। प्रत्येक 10 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना या फिर BPL सर्वेक्षण कराया जाता रहा है, जो कि अभी तक नहीं कराया गया। वहीं BJP के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि मुख्यमंत्री पीएम आवास को लेकर राजनीति कर रही है। भारत सरकार ने बार बार पत्र लिखा, जब कोई जवाब नहीं दिया गया। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, तब मुख्यमंत्री को गरीबों की याद आ गई है। वास्तव में भूपेश सरकार की नीयत है ही नहीं, पौने 5 साल में एक ही परिवार की चिंता कर रही है। छत्तीसगढ़ के गरीबों की चिंता भूपेश बघेल जी ने पौने 5 साल नहीं की। बड़े बड़े वायदा करके सरकार बनाई, पर पौने 5 साल तक गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार किया। अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो वो फिर से लोगों को ठगने और धोखा देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पीएम आवास को लेकर आंदोलन तो करती है, लेकिन कोई भी भाजपा का नेता केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ के पीएम आवास के लिए एक शब्द नहीं कहते। यही BJP का असली चेहरा है। आप आंदोलन करेंगे, आप भूपेश सरकार को कोसेंगे, लेकिन लोगों को आवास नहीं मिलने की जो असली जड़ है केंद्र सरकार, उससे एक बार भी गुहार नहीं लगाएंगे। ये भाजपा का चरित्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि छत्तीसगढ़ के आवासहीन लोगों की आवाज और लगातार उठा रहे हैं। बहरहाल केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की कांग्रेस सरकार के बीच चल रही रस्साकसी की वजह से गरीब आवासहीन लोग अपने मकान से वंचित होते जा रहे हैं। चुनाव को अब महज 2 महीने बाकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या CM की चिट्ठी का असर PM पर पड़ता है या यह मुद्दा भी महज राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, BJP नेता राजीव चक्रवर्ती जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी। आप तीनों को चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलेंगे, अजय गंगवानी जी के पास। अजय जी, BJP कह रही है कि सरकार ने पौने 5 साल तक क्या किया, योजनाएं को लटका रखा, जब चुनाव नजदीक है तब गरीबों को याद आ रही है भूपेश बघेल को। देखिए कविता जी, महत्वपूर्ण ये हमारे नियत नीति मंशा स्पष्ट है। अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें हमने 2 प्रमुख निर्णय लिए। सबसे पहला, आवासहीन और कच्चे कमरे वाले जो परिवार है उसमें 6 लाख BJP नियत का ये तो सवाल उठा रही है ना गंगवानी जी।
कांग्रेस की नीयत मुझे बोलने देंगे क्या? आप प्रश्न पूछ लीजिए, एक दो कुछ ऐड कर लो, मैं जवाब दूंगा सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। मेरा निवेदन है आपसे, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी कैबिनेट की बैठक में हमने दो प्रमुख निर्णय लिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो स्थायी प्रतीक्षा सूची है केंद्र सरकार की, उसमें 6,99,000 जो ऐसे व्यक्ति है जो लगातार प्रतीक्षा सूची बाकी है उनके लिए हमने पत्र लिखा, और उसके अलावा 47,090 ऐसे परिवार आवासहीन जो इस जो 2011 का सर्वे किया गया था उसमें छूट गए थे, उन दोनों को ये हमारे नियत नीति मंशा स्पष्ट है, पूरी सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल की बैठक में पारित किया। दूसरा, ये भाजपा जो झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करिए उसके सामने मैं चार आंकड़े दे देता हूँ। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 सालों में कुल मिला के छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 2,37,000 मकान बनाए, हमारे द्वारा कुल मकान बना के 13,04,000, मतलब इनसे 2.5 गुना से ज्यादा। हमारे द्वारा राज्यांश जो दिया गया 272 करोड़ इनके द्वारा, हमारे क्या द्वारा दिया 2100 करोड़ रुपए जो 12 गुना, कुल इनके द्वारा किया गया 1,242 करोड़, हमारे द्वारा व्यय किया गया 2,764 करोड़, इनसे 2.5 गुना ज्यादा, मतलब ज्यादा मकान, ज्यादा राज्यांश और ज्यादा कुल व्यय, ये तीनों आंकड़े बता रहे हैं कि हमने इनसे बेहतर काम किया। दूसरी बात एक स्पष्ट कर दूं, चाहे आप मैं यहाँ बैठे भाजपा के प्रवक्ता, प्रधानमंत्री आवास की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो इनका लक्ष्य दिया गया था उसमें 98.34% लक्ष्य को पूरा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। उसके बाद यहाँ व्यक्ति यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री आवास की जो वेटिंग सूची है उसमें 6,99,000 और आवास प्लस के 8,19,000 कुल मिला के दोनों जो आवास पेंडिंग है उसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी पत्र लिख रहे हैं। इनके नौ सांसद है कविता जी, या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री है, छत्तीसगढ़ के हकों की बात तो करते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, देखिए पहले भी हमारे द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा 30 जुलाई 2023 को पत्र लिखा गया कि भैया जो आपने हमको लक्ष्य दिया था 7,39,000 मकानों का, आखिर क्यों हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बिना किसी पूर्व सूचना के, हमारे पत्र के जवाब के बिना, जो हमको 22-23 में 7,39,000 का मकान का लक्ष्य दिया गया था वो जान बूझ कर सौतेले व्यवहार के चलते हटा दिया गया। तो ये दोनों क्षेत्र देख लीजिए, एक तरह केंद्र की मोदी सरकार हमें लक्ष्य देने से पीछे हटती है और दूसरी तरफ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनके नेता लगातार आरोप लगाने का प्रयास करें, यही दोहरा चरित्र है। तो इस पर दिख रहा है कि इनसे जो है हमने 4.5 गुना मकान बनाया, इनसे 10 गुना ज्यादा राज्यांश दिया और इनसे 2.5 गुना ज्यादा हम प्रधानमंत्री आवास में करें, ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि इनसे हमने बेहतर काम किया। और इनके विधानसभा के 2017 में माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह ने स्वीकार किया कि भैया 4 लाख से ज्यादा का लक्ष्य था जिसमें हम लोग मात्र 2,30,000 मकान बना पाए, मतलब लक्ष्य का जो है 48% मकान उन्होंने बनाया जबकि हमने 98.93, ये दोनों कंपेयर कर लीजिए कि हमने लगभग डबल इनसे काम किया है। तो ये जो झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की आवाज को ठगने का काम जो केंद्र की मोदी सरकार कर रही है ये दिख रहा है स्पष्ट रूप से। दूसरी बात देखिए, कुछ आंकड़े और दे दूं, छत्तीसगढ़ ने लक्ष्य का 98.34%, इनका गुजरात जो मोदी जी का गृह राज्य है मात्र लक्ष्य का 40%, मध्य प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, गंगवानी जी छत्तीसगढ़ चक्रवर्ती जी के पास चलेंगे, राजीव चक्रवर्ती जी के पास। राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस कह रही है, अभी गंगवानी जी कह रहे थे नियत में खोट तो बीजेपी की है, दोहरा चरित्र है बीजेपी का, और वहीं कांग्रेस ये भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पीएम आवास के लिए आंदोलन तो करती है लेकिन केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ के पीएम आवास के लिए एक भी शब्द नहीं कहते हैं। चक्रवर्ती जी, वाह बहुत अच्छी बात है कविता जी, माने चोर चोरी करे और कोतवाल को डांटे वो वाली कहावत हो रही है कि कांग्रेस की सरकार लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जो राज्य की जो केंद्र की रुपए आते हैं, और ये संघीय व्यवस्था है, जब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था मोर आवास मोर अधिकार, सबके लिए घर हो अपना, ये मोदी जी का सपना। लेकिन देखिए दुर्भाग्य से 2020 में राज्य ने, केंद्र ने पैसा भेजा और हमारे पास तो आंकड़े हैं, 6.5 लाख फॉर्म हमने बांटे हैं, उसमें मिला है हमको डेटा मिला रेडीमेड, तो राज्य ने पैसा रोक दिया, गरीबों के मकान अधूरे हो गए। मैं कभी झूठ बोलेंगे तो मैं विरोध करूंगा, पैसा तो उसको और उसके बाद इन्होंने कहा कि कविता जी पूरी नहीं नहीं देखिए सुनिए गंगवानी जी, मैं जब बोल रहा था आप सुना, मैं जब बोल रहा था उसके बाद अपना तो दो बार नहीं देखिए इंटर नहीं अब कविता जी तीन बार पैसा लैप्स होता है, उसके बाद जब हम आंदोलन करते हैं, चुनाव का समय है, इनके मंत्री टीएस सिंहदेव बाबा जी बोलते हैं कि मैं 7 लाख परिवार का दोषी हूं, आवास नहीं बन पा
पाया है, मैं इस्तीफा देता हूं। और आज जब चुनाव की वेला है, चुनाव सर पर खड़ी है, तो बड़ी गरीबों की याद आ रही है। इतने दिन तक नया राजसेना में अपना घर, अपने विधायकों का घर, अपने मंत्रियों का घर याद आया, आज जब चुनाव की वेला है, इनकी कलाई खुल गई है कांग्रेस पार्टी की और इनके पूरे मंत्रिमंडल की कलाई खुल गई है, तब इनको ये चिट्ठी लिखते हैं, काम नहीं करते हैं, चिट्ठी लिख के उसके प्रेस में रिलीज करते हैं कि हमें गरीबों की चिंता है। अरे भैया, 4.5 साल तक शराबबंदी नहीं किए, लोगों का कर्ज माफ नहीं किए, बारदाने के भुगतान नहीं किए, अपराध पर अंकुश नहीं किए, अपराध के साथ, तो आज जब चुनाव की वेला है, राजू जी कांग्रेस ये कह रही है कि जो बीजेपी वो आंदोलन तो करती है लेकिन केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहा हूँ जी, उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ के पीएम आवास के लिए एक भी शब्द नहीं निकलता है। और आपका पत्र लिखा है आप पे, गंगवानी जी मैं सवाल करती हूँ, गंगवानी जी क्यों नहीं, अरे भाई पैसा लैप्स हो रहा है, कविता जी सुनिए, कविता जी सुन ली, इसमें 60% केंद्र सरकार पैसा भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार देती है। इस तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आवास योजना का मॉडल चल रहा है। पहले इंदिरा आवास का होता था, 10,000 रूपए प्रति घर, प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार को दिया जाता था, आज 2.5 लाख रूपये की राशि है। अभी जो ये अजय गंगवानी जी जो फर्जी आंकड़े पेश कर रहे थे, वो पिछले 10 साल पहले की इंदिरा आवास योजना की, जो 10,000 रूपए दी जाती है, 10,000 में सीढ़ियां नहीं बनती है, सीढ़ियां नहीं बनती है। अब सुन लीजिए, जब आवास योजना जो आपने दिखा रहे गंगवानी जी, क्या आपने देखी है जो आप फर्जी कह रहे हैं? नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं, आपकी पार्टी बोलती है, बड़गला जी आपकी पार्टी। देखो अजय जी, पहले तो अजय जी आप मुझे बोलने दीजिए, गंगवानी जी, अजय जी देखिए, अपने टाइम मैं अगर चुपचाप सुनता रहूं जी, जब आपका समय जी, देखो अजय जी, देखिए अजय जी, आप बड़े व्यवधान से व्याकुल होते हैं, जब मैं बोल रहा हूं आपकी बारी होगी तब बोल दीजिएगा, है ना, आपके सत्ता का, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा गंगवानी जी, आप लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि भाजपा को बोलने मत दो, पत्रकारों को गला दबा दो, विपक्ष का गला दबा दो, ऐसी राजनीति नहीं होती है, मौका मिल रहा है छत्तीसगढ़ की में दोनों को बराबर मौका मिलता है, तो देख लीजिए जी, देख लीजिए, तो लगातार 2021 और 2022 में पैसा लैप्स हुआ केंद्र सरकार का और गरीबों का मकान बनने से गरीब वंचित हो गए, और ये पुराने रिकॉर्ड 1980 का, 90 का, 2,18,000, 6,19,500 देना बंद कर दीजिए। आम आदमी पूछ रहे मेरा घर कहाँ गया, आपके मंत्री और आपके विधायक 50 मकान बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ी गरीब आदमी का मकान नहीं बना है। दोनों पार्टी की राजनीति में आम आदमी जो गरीब है वो मकानों से वंचित रह जा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, इसमें कुल मिला के जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें गरीब निश्चित तौर पर वंचित हो जा रहे हैं। जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि 21-22 में जो लैप्स हुआ पैसा, देखिए उस वो दौर, मुझे लगता है कि उस समय वाकई में स्थिति बहुत निराशाजनक थी, क्योंकि टीएस बाबा ने उसी ग्राउंड पे अपना इस्तीफा दिया था। उस समय जो अधिकारी थे, उस समय अभी वो सुब्रत साहू जी, अभी इनके सचिव भी हैं, प्रमुख सचिव हैं सीएम के, उनके ऊपर उन्होंने लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे वो, लेकिन उनकी बात नहीं सुन रहे थे, और उनका मेरे ख्याल से उसमें जिक्र भी किया लेटर में, जब इस्तीफा दिया था टीएस बाबा ने, तो उस बात का जिक्र किया कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं अधिकारी, और इसलिए मैं अपने विभाग से इस्तीफा दे रहा हूं और गरीबों के लिए दोषी हूं। तो ये जो दौर था वो सही था, लेकिन उसके बाद जो अभी जो स्थिति, अभी जो कांग्रेस आंकड़ा पेश कर रही है, उसका मुझे लगता है इन लोगों ने बहुत तेजी से काम किया है आवास योजना में। हाँ, एक चीज और उल्लेख करना चाहूंगा, इस बीच में मुझे ये भी जो आया था मीडिया की रिपोर्ट में आई थी बातें, चूंकि देखिए 60% केंद्र दे रही है और 40% राज्य दे रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी अपना क्रेडिट लेना चाह रही थी, क्योंकि ऐसा हर उसमें होता है। जैसे एक अभी नरवा घरवा घुड़वाबाड़ी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मनरेगा का पैसा लग रहा है, और वो पूरी तरह से फ्लैगशिप योजना है कांग्रेस के, राज्य सरकार की। ऐसा रमन सिंह ने भी ऐसा किया था, ये मैं नहीं कह रहा हूं खाली भूपेश बघेल ने पहली बार ऐसा किया होगा, ऐसा हर सरकार में होता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के पैसे से कुछ पैसे अपने मिला के उसका क्रेडिट अपने लेना चाहती है, तो ये वो भी मामला था, इस वजह से काफी डिले हुआ। लेकिन जब भाजपाइयों ने लगातार घर घर दौरा किया और उन लोगों का सर्वे करके उनसे लिस्टिंग करना शुरू की और उनको आश्वासन देना शुरू किया कि हमको आप सत्ता में लाएंगे तो हम आपको मकान देंगे, ये वाली जो वादा करना शुरू किया, तो वहां से कांग्रेस भी जागी और लगभग साल भर मुझे लगता है 8 लाख के आसपास मकान इनके बन के गरीबों को अभी हैंड ओवर हुए कि नहीं, लेकिन बन गए इसके आंकड़े हैं, और उसका तो भूपेश बघेल जी ने ये पत्र लिखा है। तो अभी कुल मिला के अभी स्थिति जो है वो संतोषजनक है, लेकिन एक्चुअल जो अभी देखा जाए तो 2011 की रिपोर्ट के आधार पर ये सारी चीजें हो रही हैं। 2011 से 2023 हो चुका है,
अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है, गरीबों का आकलन नहीं हो पाया है, उस बीच में मुझे लगता है गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होगी। वो बीच का गैप है उसको मुझे लगता है राज्य सरकार को भी जनगणना मतलब अपने अलग से आकलन करना चाहिए गरीबों की संख्या का, और केंद्र की स्तर से तो होना ही चाहिए। तो जब तक ये गरीबों को सही आंकड़े दिए तब तक सही हितग्राहियों का पता नहीं चल पाएगा। ऐसे में क्या है कई बार दूसरे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, कम मतलब जो एक्चुअल हितग्राही होता है उसको फायदा नहीं मिलता, और कुछ चाहे भाजपा के पार्टी के हो चाहे किसी भी पार्टी कार्यकर्ता हो या कुछ जागरूक लोग या कुछ थोड़ा सा चालाक लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। जी गंगवानी जी, कविता जी 16 लाख लोगों को मकान नहीं मिला, टीएस सिंहदेव जी ने कहा मैं 7 लाख आएंगे और अभी पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। कविता जी देखिए दोष किसका है, दोष भ्रष्टाचारी सरकार की है जो गंगवानी जी का नाम लिया। चक्रवर्ती जी बारी इनकी 2 एकड़ में चक्रवर्ती जी, लेकिन गरीबों की मकान की चिंता नहीं है। राजीव जी मिलेगा ना मौका, चलिए गंगवानी जी बोलिए जी। देखिए मैं 5 बिंदु प्रमुख बिंदु रख देता हूँ जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, राजीव जी 16 लाख की बात करते हैं, इनके रमन सिंह 12 लाख की बात करते हैं, बिजमन अग्रवाल 11 लाख बोलते हैं, इनके अरुण साहू 13 लाख। हर व्यक्ति अलग अलग फर्जी और झूठे आंकड़े देख रहा है, दिख रहा है लिखा था 16 लाख लोगों का है जिनके राजीव जी मेरा जिम्मेदारी है। राजीव जी सुन लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है फिर आपकी बारी में बोलेंगे। जय जी सुन लीजिए प्लीज, नहीं आप तो हमको भी व्यवधान करेंगे, अपनी बात बोलेंगे। राजीव जी मैं व्यवधान आप दोनों प्रवक्ता हैं जाने माने, आपने राजीव जी इंटरप्ट किया, नहीं करूंगा राजीव जी, मेरा निवेदन है मैं नहीं करूंगा, माफी मांग लेंगे। कविता जी सॉरी बोल दीजिए, गंगवानी जी भूल चुके। कविता जी 5 प्रमुख बिंदु है, 5 प्रमुख बिंदु देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण हमारी इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के ये प्रधानमंत्री आवास योजना करते, पहली बात। पहले जो रेशियो था 75-25 का था, 75% केंद्र जो 25% राज्यांश, इनका सौतले बार देखिए इसको बढ़ा के 60 और 40, पहली बार। दूसरा आज रमन सिंह ने 2018 के विधानसभा सत्र में स्वीकार किया कि भैया हमको जो लक्ष्य मिला था वो था 4,88,000 मकान का और हमने उस समय मात्र 2,70,000 मकान बनाए। दूसरी बात, तीसरा देखिए सबसे महत्वपूर्ण मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट में आप मैं और राजीव जी चेक कर सकते हैं। इनके द्वारा कुल मिला के जो है 2,37,000 मकान बनाए गए, हमारे द्वारा 13 लाख, इससे 4.5 गुना ज्यादा। इन्होंने शहरी क्षेत्र में मात्र 19,042 मकान बनाए, हमने बनाए 2,47,000, इनसे 21 गुना ज्यादा। इन्होंने ग्रामीण में मकान बनाए 2,18,000, हमने बनाए 10,60,000, इनसे 5 गुना ज्यादा। इन्होंने राज्यान दिया मात्र 272 करोड़, हमने राज्यान दिया 2,100 करोड़, इनसे 8 गुना ज्यादा। इनके द्वारा कुल व्यय किया गया 1,242 करोड़ रुपए, हमारे द्वारा व्यय किया गया 2,709 करोड़ रुपए, मतलब इनसे 2.25 गुना। चारों आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमने बेहतर काम किया, ज्यादा शहरी आवाज, ज्यादा ग्रामीण आवाज, ज्यादा राज्य लिख रहे हैं। और दूसरी बात, चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण, आज इनकी वेबसाइट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 98.93% देंगे समय आपको। देखिए महत्वपूर्ण ये है कविता जी कि हमने लक्ष्य का 98.93% देश के अग्रणी राज्यों में जिन्होंने पूरा किया। अगर हम ये कह रहे हैं कि आवास अगर 6,99,000 आपकी प्रतीक्षा सूची में शामिल है तो क्यों नहीं उसको देने के प्रयास करें। ठीक है, जवाब सबसे महत्वपूर्ण जवाब ले लेते हैं। आखिरी 5 सेकंड, आखिरी 5 सेकंड, सबसे महत्वपूर्ण है 2021-22 में आज केंद्र की मोदी सरकार ने हमें 7,81,999 लक्ष्य दिया गया था, आखिर किसके दबाव में वो जानबूझकर गरीबों का आवाज को लक्ष्य को वापिस ले रहे, इस बात का जवाब देंगे राजीव जी से, देंगे दोनों क्षेत्र। लेकिन आप शांत रहेगा प्लीज गंगवानी जी, आपके टाइम पे राजीव जी ने कुछ नहीं बोला, जल्दी से राजीव जी जवाब दे दीजिए। देखिए जो गंगवानी जी जो आंकड़े बता रहे हैं वो क्यूमुलेटिव आंकड़े हैं, वो आंकड़े हैं 2010 से लेकर आज तक के आंकड़े, उस आंकड़े का अपना राज्य का बता रहे हैं। अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, ये आंकड़ा अजय जी, अजय जी आपने बोल दिया ना। रही बात जो 6 लाख परिवार जो वंचित है, जिनका नाम प्रधानमंत्री के सूची में आवास सूची में है लेकिन उनके पैसे को रोका गया, उनके बजट को रोका गया, क्यों रोका गया? भूपेश बघेल जी ने झूठ बोले चैनल पे कि मैं पैसे नहीं दूंगा, नाम बदलो ये। अरे झूठ गंगेश जी भाई जी झूठ बोलेंगे, उन्होंने कहा जी अपना अजय जी आपने अपनी बात क्या दी है, अजय जी आपने अपनी बात क्या दी है, पैसा रोका गया, अजय जी अजय जी तो आपने अपनी बात क्या दी ना, आज की टीम को ग्राउंड जीरो पे भेजिए,
झुग्गी बस्तियों में, स्लम्स एरिया में, छोटे छोटे मोहल्ले में अधूरे मकान पड़े हुए हैं। ये अधूरे मकान इसीलिए है कि अरे अभी गंगी द्विवेदी जी ने कहा इसीलिए 2022 के आखिरी में केंद्र सरकार ने पैसा लैप्स कर दिया, इसीलिए लैप्स कर दिया। अब देखिए अजय जी, अरे यार पूछ के आप लोग अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, इंटरप्ट कर रहे फिर आप इंटरप्ट कर रहे हैं आगे बोल अजय जी, ये गलत बात है। उसके बाद ये प्रोपोगंडा करना कि प्रधानमंत्री आवास फ्लॉप योजना साबित हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी MSP दर पर खरीदते हैं छत्तीसगढ़ का चावल, प्रधानमंत्री जी आवास देना चाहते हैं लेकिन यहाँ की राज्य सरकार आपके गुजरात में क्या हाल बता दी, मैं भी तो आपके मध्य प्रदेश में क्या हाल बता दी, आपके उत्तर प्रदेश में क्या हाल बता दी, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार करती है। सन 2021 का पैसा लैप्स किया राज्य सरकार ने नहीं दिया, 2022 का नहीं दिया, 16 कविता जी झूठ बोल रहे थे चैनल पे, फिर झूठ बोल रहे चैनल पे, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी आपने बस कह देना सी बात इस्तीफा देते हैं, अरे हम जो बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं, आप जो बोलेंगे सब जाके चेक कर लीजिए, कलाई खुल चुकी है कांग्रेस। अजय गंगवानी जी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि झूठ बोल रहे हैं, राज्य चुनाव ठीक है, गंगे जी से जानेंगे, गंगे जी गरीबों के मकान सुन लीजिए, अभी ढोंग कर रहे पत्र लिखने का, गंगे जी चिड़िया चुप गई खेत, ठीक है राजीव, अरे आपके नौ नौ साल कर लिए शराब बंदी की बात करने का झूठ, अजय जी क्या पसंद है अभी, अजय जी मैंने आपका नाम बोला है, अजय जी आपको शांत करें, कविता जी राजीव जी को शांत कराइए, मेरा निवेदन है आपसे जी, मैं शांत हूँ एकदम, मैंने आपका नाम नहीं लिया है ना, गंगे जी बोलिए, मेरी बारी में बोलिए, आप बोलने नहीं दिए, मैं बोलूंगी किससे बोलना है किससे नहीं बोलना है, अजय जी अभी देखिए जी, मुझे लगता है कि अभी जो भी हो रहा है, जो कि तीन महीने बाकी हैं चुनाव के, इसलिए ये पूरा मामला पॉलिटिकल बन गया है जी। और भाजपा ने इसमें गांव गांव जाके जो मेहनत की है, लोगों का सर्वे किया, लोगों से फॉर्म अपने इनडायरेक्टली फॉर्म भराया है और उनको कहा है कि जिनको आवास नहीं मिले उनको हम आवास देंगे, यही वजह है कि ये मामला ज्यादा बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। और भूपेश बघेल अपने लगभग साल भर से प्रयास किया, उन्होंने लगभग 8 लाख मकान का आंकड़ा पेश कर दिया कि हमने 8 लाख मकान बना के दे दिया गरीबों को, अब वो उसकी जांच मैंने जाके देखा लेकिन ये आंकड़ा आ गया है और कुछ अभी पत्र लिख के उन्होंने और भी मकान जो बचे हुए थे उसको मांग की है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें पिछले पॉलिटिक्स है कि जनता के बीच वो भी दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी है गंगेश जी, बीजेपी सवाल उठा रही है कि 5.5 साल में अभी क्यों याद आया, अभी पत्र लिखने का क्यों याद आया सीएम भूपेश, कविता जी ऑलरेडी इलेक्शन में जा रहा, अजय गंगवानी जी के सवाल आपसे है, अजय गंगवानी जी के मेरी भूपेश जी की बात करेंगे तो मैं तो जवाब दूंगा ना, सबके सीएम प्रश्न पूछ रहे हैं कांग्रेस सरकार से, अजय गंगवानी जी से बात कर रहे हैं, अजय जी आपका नाम मंगेश जी, कविता जी मेरा निवेदन है, आपका नाम मंगेश जी, अगर आप मेरी सरकार का प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुझसे पूछिए ना, अगर आप मेरी सरकार के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुझसे पूछिए कविता जी, अजय गंगवानी जी उसका ऑफिशियल प्रवक्ता है, यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं छत्तीसगढ़ के, क्या करोगे, क्या आप तय करोगे, मुझे ऑफिशियल आप तय करोगे, राजीव जी ऑफिशियल आप दोनों जाइए, दोनों से रिक्वेस्ट है राजीव जी, अजय गंगवानी जी दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज, समय का अभाव होता है, गंगेश जी शालीनता का परिचय दीजिए आप दोनों, देखिए इस जी जी इस बात में एकदम देखिए इस बात में एकदम 100% सच्चाई है कि TS बाबा के इस्तीफे के बाद ही ये मसला उठा और उन्होंने इस बात का अपने पत्र में जिक्र किया कि बार बार कहने के बाद अधिकारी जो उनकी बात नहीं सुन रहा है और ग्रामीण आवास योजना को डिले कर रहा है और इसी आधार पे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद ही प्रधानमंत्री आवास योजना को भाजपा ने मुद्दा बनाया और मुद्दा बना के इसको उतरा मैदान, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देर, ये मामला लगभग साल भर पहले का है, साल सवा साल हो रहे होंगे, तो उसके बाद ही ये मसला ग्राउंड पे आया, इसका मतलब उसके पहले लगातार उपेक्षा हो रही थी, इसका मतलब ये हो सकता है और ये वजह जो बोल रहे हैं राजीव, कविता जी फाइनल करने के लिए समय दीजिएगा, बिल्कुल अजय जी दूंगे, आपसे रिक्वेस्ट है आप बार बार इंटरप्रेट कीजिए, गंगेश 2 साल कोरोना का था तो मुझे लगता है उस दौरान सारे सबका फोकस प्रधानमंत्री से लेकर पूरे हर राज्य के मंत्रियों से लेकर सारे लोगों का फोकस कोरोना से लोगों को बचाने के पीछे था, उस वक्त मुझे लगता है ये 2 साल डिले होने का बड़ा कारण वो भी है, लेकिन ये भी एक बड़ा कारण है कि उस फ्लैगशिप को उस पर उस योजना को अपना फ्लैगशिप बनाने के लिए इस बात को डिले किया गया, क्योंकि पहले जो था मैं आपको करेक्ट कर दूं, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण स्कीम और जो इंदिरा गांधी आवास योजना था उसमें 80% तक केंद्र सरकार दी थी, यूपीए की सरकार ने 80% दिया था, उसके बावजूद उसको राज्य सरकार अपने अपनी आवास योजना कहीं ना कहीं बताती थी,
तो वही स्थिति यहां पर थी कि भूपेश बघेल भी चाहते थे कि कांग्रेस की फ्लैगशिप योजना हो प्रदेश में। जी अजय कंगवानी छोटा सा जवाब, डिले हुआ कहीं ना कहीं क्योंकि समय का अभाव है। तीन बिंदु दे रहा हूं मैं, देंगे आपको छोटा सा जवाब जल्दी से। राजीव जी समय हो चुका है, एक लाइन का जवाब। राजीव जी समय हो चुका है, राजीव जी आएंगे आपको समय हो चुका है। अजय जी राजीव जी केंद्र, ये गलती राज्य सरकार की है। राजीव जी शांत हो जाइए, आपने बोल लिया जल्दी से। अजय कंगवानी लगातार पूरे डिबेट को डिरेक्ट कर दिए, राजीव जी राजीव जी समय का अभाव है, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज आपने बोलिए जल्दी से। अजय जी कविता जी तीन बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। 2021 में इन्हीं के केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ को दो दो पुरस्कार मिलती है, और यहाँ पे इनके भाजपा प्रवक्ता बैठ के झूठ बोलते हैं। पहली बात, आज ऑफिशियल वेबसाइट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि छत्तीसगढ़ ने अपने लक्ष्य का 98.34% पूरा किया है, जो देश का गणित राज्य है। इन्हीं का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां भाजपा की सरकारें हैं, 40% से भी कम लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। वहां जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। यह दवा चयन तरह के लिए छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य होने के बाद भी, दूसरी बात गंगवानी जी आपके बहुत धन्यवाद, राजीव चक्रवर्ती जी आपके बहुत धन्यवाद, गंगेश द्विवेदी जी आपका बहुत धन्यवाद। तो बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।